भविष्यवाणी से डिप्रेशन, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये आपका स्वागत है। एक व्यक्ति पेशेंट बनकर मेरे पास में आया, अप्रॉक्सीमेटली 40 साल का होगा वो, और वो एकदम पूरा डिप्रेस था, रो रहा था। अभी ज़िंदगी में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो मैं मरने वाला हूँ, इस तरह से वो वाक्य बोल रहा था। खाना पीना छोड़ दिया था। मतलब ये कब से हो गया? बोले 6 दिन हो गए। बोले हुआ क्या 6 दिन में? ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपको हो गया? तो उसने बताया कि एक बहुत ही पावरफुल भविष्यवेत्ता जो था, एस्ट्रोलॉजर, उसके पास में जाके उसने अपनी कुंडली बताया। उसके ऊपर उसका बहुत विश्वास था, क्योंकि वो भविष्यवेत्ता की भविष्यवाणी जो थी वो अक्सर सचमुच निकलती है, ऐसा उसका मानना था। उसके पास में जाने के बाद में उसने भविष्यवेत्ता ने, वो जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी, तो उसने वो सब देख के उसको बता दिया कि आने वाले अमावस्या को आप मरने वाले हो। उस दिन यदि आप बच गए तो फिर आप बच गए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बचने के चांसेस है नहीं। अभी अमावस्या को तो 14 दिन, 6 दिन हो गए। अभी 6 दिन में तो ऐसा वो हो गया कि वो उसने खाना पीना छोड़ दिया। अभी क्या होगा, क्या आने में, मैं तो मरने वाला हूँ। उसने तो जाके अपनी विल बना दिया कि भाई मेरे प्रॉपर्टी का किसका किसका कैसा बंटवारा करना चाहिए, बच्चों का क्या होगा, फिर एक बीमा पॉलिसी निकालना क्या, और मैं तो मरने वाला हूँ ऐसा वो सोचने लगा। मतलब खाना पीना छोड़ दिया, बहुत टेंशन, और बेड पे ही रहने लगा वो। मतलब 6 दिन में तो ऐसा हो गया कि मरे जैसा, मतलब मरने के पहले मरे जैसा हो गया वो। और मेरे पास में आया कि भाई, उसके घर वाले भी बोल रहे कि भाई देखो इसका क्या करना, क्योंकि ये तो भविष्यवेत्ता ने भविष्यवाणी बता दिया, और ये पूरा डिप्रेस हो गया कि अपन मरने वाले हैं और अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, पूरा होपलेसनेस, आशा नहीं, पूरी निराशा, हेल्पलेसनेस, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भविष्यवेत्ता ने बताया हुआ कि तुम मरने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में जाने वाला है। मतलब इस तरह का वो काम हो गया। उसको मैंने समझाया, मैंने कहा चलो अपन वो भविष्यवेत्ता के पास में फिर अपन जाते हैं और बातचीत करते हैं उसके साथ में, और फिर हम देखते हैं कि भाई वो सच्ची बोलता, वो सच्ची होता कि नहीं होता। तो मैं उसके साथ में वो भविष्यवेत्ता के पास में चले गया। उसको मेरा नाम बताया नहीं, मैं कौन हूँ क्या हूँ कुछ बताया नहीं। मैंने कहा भाई आप मेरी कुंडली देखो, मेरा हाथ देखो, बताओ। बोले ठीक है 500 रुपये लगेंगे। बोले ठीक है भाई 500 रुपये ले लो। फिर उसने, मैं बोले पूछो आपको क्या पूछना है। मतलब भाई मुझे बच्चे नहीं है, क्या संभावना है कुछ बच्चे होने की? तो उसने देखा वगैरह, और बहुत 5-10 मिनट इधर उधर से देख के फिर वो बोल रहा कि आपके पत्नी की कोख जो है वो बांध दी है, और अभी बच्चे आपको होने की कोई संभावना है नहीं। मतलब फिर अभी करना क्या उसका? बोले उसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, फिर उसमें इतना ऐसा करना फलाना, उसने बड़ी लिस्ट वगैरह दे दिया। मैं वहाँ से फिर वो हमारा जो पेशेंट था उसको लेके निकल आया। मतलब देखा मुझे 2 बच्चे हैं, मेरे को पोता भी है, और ये जो बता रहा है कि तुमको बच्चे होने वाले है नहीं, मतलब देखो क्या खोखलापन है। तो मगर वो मानने को तैयार ही नहीं, नहीं बोले वो आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए सच होने वाला ही है। होता क्या है कि उसका जो चेतन मन है, देखो हमको 2 मन है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब तार्किक मस्तिष्क जो है, लॉजिकल माइंड, वो कॉन्शियस माइंड है। एखादे व्यक्ति ने सुझाव दिया, सजेशन दिया, वो बाहर से आ गया, लॉजिक को उसको पड़ गया हो, और लॉजिक को या कॉन्शियस माइंड को क्यों पड़ गया हो? क्योंकि उसने और कोई लोगों का सुना था कि ये जो भविष्यवेत्ता है उसका भविष्य सच्चा होता है। जैसे ही उसका कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर यकीन करता है कि नहीं ये सच है, तो वो कॉन्शियस माइंड अंदर डालता है सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, और अवचेतन मन उसका पूरा 100% स्वीकार कर लेता है। अब लॉजिकल माइंड जो है वो उसने अंदर डाल दिया, सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, उस कॉन्शियस माइंड में। क्या होता है कि किसी के सुझाव में कोई शक्ति होती नहीं है, हम उसके ऊपर हमारे विचारों द्वारा उसको शक्ति देते हैं। तो हमारा जो तार्किक मस्तिष्क जो है, तार्किक माइंड जो है, लॉजिकल माइंड जो है, उसने देखना चाहिए कि ये कितना सही है कितना झूठ है, क्या साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक है, क्या सच है क्या झूठ है, कितने लोगों को हाँ बोला हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ और हाँ हो गया, वो ऐसा जैसा उसने भविष्य में बोला था वैसा हो गया। मतलब तो हर बात जब कॉन्शियस माइंड से हम देखते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमने देखना चाहिए। स्पेशली कॉन्शियस माइंड जब इमोशनली हाई लेवल पे होता है, इमोशनली हाइटेंड लेवल, उस समय कॉन्शियस माइंड को जो भी बोला सीधा अंदर सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है, और वहां से सबकॉन्शियस माइंड अपना काम शुरू कर देता है। अभी ये व्यक्ति जो है, ये कॉन्शियस माइंड से अंदर उसको जाने नहीं देता तो सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता था।
सबकॉन्शियस माइंड में अपना काम तभी शुरू किया जब कॉन्शियस माइंड में उसको अंदर जाने दिया। कॉन्शियस माइंड में अंदर क्यों जाने दिया? क्योंकि वो तार्किक मन जो है वो तार्किक लॉजिक लगाया उसने और लॉजिक से उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ये ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की और कॉन्शियस माइंड की, उसका हम कैसा इस्तेमाल करते वो हमारे ऊपर अवलंबन है, डिपेंड करता है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।